हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है बोर्ड कॉन्सेप्ट के इस यूट्यूब चैनल पे। आज हम क्लास टेंथ का फर्स्ट चैप्टर का वन शॉट वीडियो देखेंगे, जिसमें हम सभी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन के साथ साथ इम्पोर्टेंट टॉपिक और पेपर में आने वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन की बात करेंगे। और ये पूरी चैप्टर आज हम इस वीडियो में ख़त्म करेंगे। इसमें कौन कौन से टॉपिक पढ़ेंगे, तो इसमें आपका जितने टॉपिक हैं इन सबके बारे में हम पढ़ेंगे। केमिकल रिएक्शन क्या होता है, पार्ट ऑफ केमिकल रिएक्शन क्या होते हैं, फिर रिएक्टेंट क्या होते हैं जिसे हम अभिकारक बोलते हैं, अभिकारक उत्पाद, जितनी चीज़ें इसमें आपको दिख रही हैं इन सभी के बारे में पढ़ेंगे। इसके अलावा इनके अंदर आने वाले भी टॉपिक के बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारे पास यहाँ पे रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो यह भी हम पढ़ेंगे कि रासायनिक समीकरण को हम क्यों संतुलित करते हैं या क्यों वो हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है, इन सभी चीज़ों के बारे में बात करेंगे। तो बिना टाइम को वेस्ट किए वीडियो को करते हैं हम शुरुआत, क्योंकि ये वीडियो है वन शॉट। तो इस वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए और एकदम आसान भाषा में आपको पढ़ाया जाएगा। 100% नहीं, 110% चीज़ें आपको समझ में आएगी और मेरी गारंटी है कि क्लास में पढ़ते पढ़ते चीज़ें आप सभी को याद हो जाएगी। तो सबसे पहले देख लीजिए कि इतने टॉपिक हैं, इन सभी टॉपिक के बारे में आपको पढ़ना है ऑफिशियल सिलेबस के अकॉर्डिंग। ऑफिशियल सिलेबस का मेरा मतलब था कि आपका जो बोर्ड होगा, आपका बोर्ड कौन सा है, UPMSP करके, ठीक, उत्तर प्रदेश माध्यमिक शिक्षा परिषद। इस पे जाएंगे जब आप इस वेबसाइट पे, तो आपको सिलेबस का पैटर्न मिलेगा कि 2025 में या 2025 के बच्चे जो एग्ज़ाम देना चाह रहे हैं उनको क्या पढ़ना है और कितना पढ़ना है। तो उन पे जो सिलेबस मिलेगा उस सिलेबस के अकॉर्डिंग जो चीज़ें हैं वो सारी चीज़, और मैं पिछले 7 साल से लगातार क्लास 10वीं को पढ़ा रहा हूँ, तो मैं बहुत बढ़िया जानता हूँ किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं और कहाँ से आते हैं और कहाँ कहाँ से कौन कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं। तो वीडियो को हम करते हैं शुरुआत। तो सबसे पहले चीज़ें हमारे पास आती है इस चैप्टर में कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होता है या केमिकल रिएक्शन क्या होता है, ठीक। तो पहली बात हम बताते हैं कि आपको केमिकल रिएक्शन से पहले आप थोड़ा पढ़े होंगे कि अभिक्रिया क्या होती है या अभिक्रिया किसे कहते हैं, अभिक्रिया का मतलब क्या होता है या अभिक्रिया किसे कहते हैं। और इस अभिक्रिया में ही दो चीज़ पढ़े होंगे आप, एक भौतिक परिवर्तन, या आप नॉर्मल क्लास छोटे छोटे क्लासों में आप पढ़ के आए होंगे दो चीज़ों के बारे में, एक भौतिक परिवर्तन के बारे में और एक रासायनिक परिवर्तन के बारे में, कि भौतिक परिवर्तन क्या होता है और रासायनिक परिवर्तन क्या होता है। भौतिक परिवर्तन का मतलब आप जानते होंगे कि जब कोई पदार्थ अपना अवस्था चेंज कर दे, रूप चेंज कर दे, कुछ और चेंज कर दे, और फिर कुछ समय पश्चात या कुछ समय बाद वो अपनी मूल अवस्था में आ जाए, तो उसे क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं भौतिक परिवर्तन। और जब कोई पदार्थ या वस्तु अपनी मूल अवस्था को परिवर्तित कर दे और कुछ समय पश्चात या कुछ देर बाद किसी भी वजह से वो अपनी मूल अवस्था में ना आए, तो उसको हम क्या बोलते हैं, रासायनिक परिवर्तन। तो उसी में हम देखते हैं भौतिक परिवर्तन वाली कहानी कि जो परिवर्तन होता है वो अभिक्रिया काम करेगा, और अभिक्रिया जो होती है दो टाइप की हो सकती है, भौतिक और एक रासायनिक। तो हम लोग को पढ़ना है यहाँ पर रासायनिक अभिक्रिया के बारे में। तो रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, रासायनिक अभिक्रिया किसे कहा जाता है, तो रासायनिक अभिक्रिया क्या कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है। फिर से सुनिएगा, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को क्या कहते हैं हम लोग, रासायनिक अभिक्रिया। जैसे मान लीजिए कि हमारे पास हाइड्रोजन है, हाइड्रोजन गैस है, ठीक, और मान लीजिए कि हमारे पास ऑक्सीजन गैस है और ये दोनों आपस में मिल गए और मिल के क्या बना लिए, जल। तो हम क्या बोले, जब दो या कम से कम दो हो या दो से अधिक पदार्थ हो और दोनों आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करें, जैसे यहाँ पे हाइड्रोजन गैस था और ऑक्सीजन गैस है और दोनों मिल के क्या बना लिया, जल बना लिया। तो दो अलग अलग चीज़ें मिल के एक अलग चीज़ का निर्माण कर रही है या एक नए पदार्थ का निर्माण कर रहा है, तो इस प्रक्रिया को ही क्या बोलेंगे हम, इस प्रक्रिया को ही बोलेंगे हम लोग रासायनिक अभिक्रिया। हाइड्रोजन गैस का सूत्र आप जानते होंगे, रासायनिक सूत्र H2, इसका सूत्र जानते होंगे O2, और जल का सूत्र होता है H2O। तो ये हो जाएगी आपकी रिएक्शन, लेकिन ये रिएक्शन जो है वो ये रिएक्शन बैलेंस नहीं है, और बैलेंस क्या होता है, संतुलित जिसे बोला जाता है, संतुलित क्या होता है, असंतुलित क्या होता है, सभी चीज़ों के बारे में हम लोग बात करेंगे। यह रासायनिक समीकरण क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में हम बात करने वाले पूरे वीडियो में, और इस पूरे वीडियो में आपका ये पूरा चैप्टर 100% नहीं, 110% खत्म होगा, और साथ ही साथ ये पूरी चैप्टर आपको मुझवानी वाली कहानी याद हो जाएगी। तो हम देखते हैं कि रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका डेफिनेशन लिख देते हैं और नोट्स बना लीजिए, या नोट्स निकालिए, और नोट्स निकाल के मेरे साथ साथ आप भी लिखते चलिए, तब जाके होगा एक सच्चे स्टूडेंट की कहानी आपके साथ मिलती हुई दिखेगी।
मतलब कि जब आप पढ़ रहे हैं किसी भी टीचर से पढ़ रहे हैं तो अपना एक कॉपी बनाइए और उसको साथ साथ पढ़ते रहिए, लिखते रहिए। तो हम स्टार्ट करते हैं रासायनिक अभिक्रिया किसे कहते हैं। ये कहता है कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ बोल सकते हैं, तत्व बोल सकते हैं, यौगिक बोल सकते हैं, जो आपको बोलना है बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ हो सकते हैं, जब दो या दो से अधिक तत्व बोल सकते हैं, जब दो या दो से यौगिक भी बोल सकते हैं, ठीक, ये वस्तुएं भी बोल सकते हैं, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर एक नए पदार्थ का निर्माण करते हैं, निर्माण या बनाते हैं, तो इस प्रक्रिया को ये क्या कहते हैं, इस प्रक्रिया को ही रासायनिक अभिक्रिया कहा जाता है या केमिकल रिएक्शन कहा जाता है। व्हेन टू या मोर देन टू सब्सटेंस मेक न्यू सब्सटेंस इज दिस प्रोसेस नोन एज केमिकल रिएक्शन। चूँकि हम हिंदी में पढ़ रहे हैं तो हिंदी में ही हम फोकस करेंगे। रासायनिक अभिक्रिया कहते हैं, इसका एग्जाम्पल आप लिख सकते हैं इसके नीचे, एग्जाम्पल अभी जस्ट लिखा गया था आपको, जैसे H2 है और O2 है, आपस में मिल गया, दो अलग अलग चीज़ें और मिल के बना लिया आपका H2O। ये रिएक्शन जो है बैलेंस कर लेंगे आप लोग, यहाँ दो चार हाइड्रोजन था तो यहाँ भी चार हाइड्रोजन, इसको बैलेंस करना अभी आपको हम इस पूरे वीडियो में सिखाएंगे कि कैसे आपको रासायनिक अभिक्रिया को बैलेंस करना है। और भी एग्जाम्पल लिख सकते हैं, जैसे N2 है, H2 है, दोनों आपस में मिलेंगे तो क्या बनाएंगे, अमोनिया गैस, ठीक, इसको भी थोड़ा बैलेंस कर सकते हैं आप, क्योंकि यहाँ नाइट्रोजन दो था, यहाँ नाइट्रोजन एक था, बैलेंस कर लीजिए, क्योंकि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जब तक बैलेंस नहीं होती है तब तक वो सही नहीं मानी जाती है। इसका कारण यह है कि आप क्लास 9th में पढ़ के आए हैं एक चीज़ के बारे में या एक नियम के बारे में, जिस नियम का नाम था द्रव्यमान संरक्षण का नियम, तो इसको नोट कर लीजिए और इसका एग्जाम्पल ये अपने कॉपी पर लिख लीजिए, इसका स्क्रीनशॉट जहाँ है तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। अगला टॉपिक जो हमारा है रासायनिक अभिक्रिया के भाग, कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है और रासायनिक अभिक्रिया के भाग क्या होता है। तो अगला टॉपिक रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बारे में, तो आपको पता है कि रासायनिक अभिक्रिया को हम एक तीर से व्यक्त करते हैं या तीर लिखते हैं, तो तीर के जस्ट पहले जो लिखा होता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक, या इस अभिकारक का दूसरा जो नाम होता है उसको हम बोलते हैं अभिकर्मक, या इसी को तीसरे नाम से भी जानते हैं या तीसरे नाम से जानते हैं जिसको बोलते हैं हम लोग अभिक्रियक, ठीक। इसका तीन नाम होता है, एक अभिकारक, एक अभिकर्मक और एक अभिक्रियक। तो जो रासायनिक अभिक्रिया में जिस तीर का उपयोग करते हैं उस तीर के जस्ट पीछे जो लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं अभिकारक या रिएक्टेंट, और जो आगे लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं उत्पाद। अभी जस्ट हम एक रिएक्शन लिखे थे आपको, देखे थे H2+O2 मिल के बनाया था H2O। तो आपसे कोई पूछे कि इस अभिक्रिया में हमारे पास कौन अभिकारक है, कौन उत्पाद है, तो आप बोलेंगे ये तीर के पीछे लिखा है, एकरा मतलब ही क्या हुआ, ये हो गया अभिकारक। अब बोलेंगे ये तीर के आगे लिखा है तो इसका मतलब ही क्या हो गया, उत्पाद। अब इसकी परिभाषा आप चाहें लिखना तो परिभाषा भी लिख सकते हैं, इसकी परिभाषा क्या होगी, इसकी परिभाषा होती है हमारे पास कि रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं, रासायनिक अभिक्रिया में जो पदार्थ भाग लेते हैं उन्हें हम क्या बोलते हैं, उन्हें बोलते हैं हम लोग अभिकारक, और रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होते हैं उसे क्या बोलते हैं हम लोग, उत्पाद। चलिए इसको भी लिख लेते हैं फटाफट, और आप भी कॉपी पर साथ साथ लिखते रहिए या वीडियो को पॉज करके रोक लीजिए फिर आराम से लिख लीजिए, नहीं तो स्क्रीनशॉट भी आप ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम बात करते हैं अभिकारक की, कि अभिकारक क्या होता है या किसे कहते हैं, या इसी को बोलते हैं हम लोग अभिकर्मक। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है या रासायनिक अभिक्रिया में जिस तीर रासायनिक अभिक्रिया को जिस तीर से व्यक्त करते हैं उसके पीछे वाले भाग को क्या बोला जाता है, अभिकारक। तो जो पदार्थ रासायनिक अभिक्रिया में भाग लेता है
भाग लेता है उसे अभिकारक कहते हैं। अभिकारक कहते हैं, ठीक। और जस्ट एक और चीज़ बोल सकते हैं, उत्पाद की कहानी की उत्पाद क्या होता है, तो सिंपल बोलेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, मतलब अभिक्रिया जो हो रही थी, अभिक्रिया होने के बाद जो कुछ भी बनता है, जैसे H2 और O2 मिले थे, तो H2 और O2 मिलने के बाद जो कुछ भी आपका बना था, यहाँ दो चीज़ मिली थी H2 और O2, ये मिलने के बाद जो कुछ भी बनता है उसी को बोलते हैं हम लोग उत्पाद, उसी को हम बोलते हैं उत्पाद, या इसी को बोलते हैं हम लोग प्रोडक्ट। अर्थात रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप, रासायनिक अभिक्रिया के फलस्वरूप जो कुछ भी प्राप्त होता है, जो कुछ भी प्राप्त होता है उसे उत्पाद कहा जाता है, उत्पाद कहा जाता है। मतलब समझ गए होंगे कि कोई भी अभिक्रिया हो रही है तो उस अभिक्रिया में दो चीज़ आएंगी, या किसी भी अभिक्रिया के दो भाग होंगे, पहला आपका अभिकारक और दूसरा भाग आपका उत्पाद। अभिकारक क्या होगा, तो तीर से जो तीर हमारा लग रहा है रासायनिक अभिक्रिया में, इस तीर के पीछे वाला जो भाग होगा अभिकारक होगा, और तीर का जो आगे वाला भाग होगा वो उत्पाद होगा। इस चीज़ का भी चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए और नोट्स आप जरूर बनाइए, और इस वीडियो के बाद आपको कभी भी दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं होगी इस चैप्टर की, ठीक। अगला टॉपिक जो हमारा रासायनिक अभिक्रिया के भाग के बाद, रासायनिक समीकरण, कि रासायनिक समीकरण क्या होता है, और आपके एग्जाम में पूछता है कि रासायनिक समीकरण पर टिप्पणी लिखिए, तो हम अगला टॉपिक की बात करते हैं कि रासायनिक समीकरण केमिकल इक्वेशन क्या होता है। अभी देखिएगा ध्यान से, समीकरण से पहले आप पढ़ते हैं गणितीय समीकरण के बारे में, थोड़ा समीकरण को समझिए कि समीकरण क्या चीज़ है। तो आप पढ़ते हैं गणित समीकरण के बारे में, जैसे आप पढ़ते होंगे एक चैप्टर पढ़ाएंगे एकिक नियम का, उसमें होता क्या बोला जाता है कि किसी संख्या में आठ जोड़ने पर, किसी संख्या में आठ जोड़ने पर, वो आठ जोड़ने पर संख्या हमको 12 प्राप्त होती है, ऐसे करके हिंदी में लिखा होता है। तो हिंदी में लिखा होता है तो हम मानते हैं उसको गणित में कि कोई संख्या x है उसमें आठ जोड़ रहे हैं तो हमको 12 मिलती है। तो इसको कौन सा समीकरण बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं गणितीय समीकरण, ठीक। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, मान लीजिए तो हम बात कर ले मैथ की, अब हम बात कर थोड़ा इंग्लिश की, तो कोई चीज़ लिखा होता है इंग्लिश में, सॉरी कोई चीज़ लिखा होता है हिंदी में, जैसे लिखा है यहाँ पे राम घर जाता है, राम घर जाता है, तो इसको हम क्या करते हैं इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, इसको क्या करते हैं हम इंग्लिश में कन्वर्ट करते हैं, तो क्या लिखते हैं बबुआ हम लोग, राम गोज टू हाउस। थोड़ा बहुत इंग्लिश पढ़े होंगे तो आपको पता होगा कि होम के पहले टू नहीं लगाता, टू नहीं लगाया जाता, तो यहाँ पे लिख सकते हैं गोज होम या गो टू हाउस, ठीक। तो यहाँ पे लिख सकते हैं सिंपल। तो मेरा कहने का मतलब है कि जब आप देखते हैं कि गणित में कोई चीज़ लिखा होता है तो उसका जब समीकरण बनाते हैं तो कुछ गणितीय रूप में ऐसे लिखते हैं, कोई हिंदी में लिखा होता है हिंदी में, जब उसको गणित में बदलना होता है तो ऐसे लिखा जाता है। हिंदी में कोई चीज़ लिखा होता और उसको क्या करना होता है इंग्लिश में बदलना होता या इंग्लिश के समीकरण में लाना होता, अर्थात इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होता, तो कुछ ऐसे लिखा जाता है। तो आप देखते हैं कि ये एक सब्जेक्ट है, उसी प्रकार आपका केमिस्ट्री भी एक सब्जेक्ट है, तो केमिस्ट्री की अपनी एक लैंग्वेज होनी चाहिए, जैसे गणित की एक अपनी लैंग्वेज है, इंग्लिश की एक अपनी लैंग्वेज है, हिंदी की अपनी एक लैंग्वेज है, वैसे ही केमिस्ट्री की एक लैंग्वेज होती है। तो कोई भी चीज़ हिंदी में लिखी होती है उस हिंदी की चीज़ को केमिस्ट्री में लिखना, अर्थात केमिस्ट्री के रासायनिक चिन्हों और प्रतीकों में लिखना या उनको उसमें व्यक्त करने पर एक समीकरण मिलता है, इस समीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। जैसे इस चीज़ को समझिए क्या चीज़ है, अभी हम एक रिएक्शन लिखे थे पीछे, उस रिएक्शन को लेते हैं, जैसे यहाँ नाइट्रोजन गैस है, नाइट्रोजन गैस ये मिलती है ऑक्सीजन गैस के साथ, ठीक। अच्छा मान लीजिए कि ये मिलती है नाइट्रोजन गैस हाइड्रोजन गैस के साथ, हाइड्रोजन गैस के साथ, और गैस के साथ मिलके बनाता है अमोनिया, ये अमोनियन अमोनिया गैस, ये अमोनिया बनाता है नाइट्रोजन गैस, ठीक। तो ये किस में लिखा है,
ये लिखा है हिंदी में। अब इस हिंदी को हम किस में कन्वर्ट करेंगे, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में कन्वर्ट करेंगे तो क्या आएगा, केमिकल इक्वेशन। अब इसको मैथ में चेंज करते तो क्या आता है, मैथमेटिकल इक्वेशन। इसको इंग्लिश में चेंज करते तो क्या आता है, इंग्लिश इक्वेशन। तो वैसे ही जब किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित अभिकारक के अणुओं को या उत्पाद के अणुओं को उनके रासायनिक चिन्हों या प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है तो एक समीकरण प्राप्त होता है। इस समीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग, रासायनिक समीकरण। थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नाइट्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है, N2। हाइड्रोजन गैस का सूत्र क्या होता है केमिस्ट्री में, H2। दोनों मिल गया तो अमोनिया का सूत्र क्या होता है, NH3। ठीक, हम बोल रहे हैं बार बार कि रिएक्शन को बैलेंस कीजिए। यहाँ नाइट्रोजन 2 है, यहाँ नाइट्रोजन 1 है, बैलेंस कैसे किया जाता है इस पर अभी हम बात करेंगे। रासायनिक समीकरण जब पढ़ेंगे तो इसमें दो टाइप के समीकरण आते हैं, एक संतुलित और एक असंतुलित। यहाँ ध्यान देंगे तो N2 2 है तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कीजिए तो ये 2 हो जाएगा, और यहाँ देखेंगे तो हाइड्रोजन 2 है लेकिन यहाँ हाइड्रोजन कितना हो गया, 6, तो यहाँ 3 से मल्टीप्लाई कीजिए। मेरे कहने का मतलब है रासायनिक समीकरण क्या होता है, तो रासायनिक समीकरण यहाँ लिखे देते हैं फटाफट कि जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में उपस्थित उपस्थित अभिकारक व उत्पाद के पदार्थों को या तत्वों को बोल सकते हैं, यौगिक भी बोल सकते हैं या पदार्थ बोल सकते हैं या अणु बोल सकते हैं, को उनके रासायनिक चिन्हों में या प्रतीकों में व्यक्त किया जाता है तो एक समीकरण प्राप्त होता है। इस समीकरण को ही रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, फिर से देख लीजिएगा, हम सिंपल बोलेंगे जब किसी रासायनिक अभिक्रिया में हमारे पास जो भी तत्व यौगिक आ रहे हैं या पदार्थ आ रहा है, जैसे यहाँ पे नाइट्रोजन गैस आया था, फिर ऑक्सीजन गैस आया था या हाइड्रोजन गैस आया था, तो इसका क्या कहिए हम, रासायनिक सूत्र लिखें। रासायनिक सूत्र का मतलब जो हिंदी में लिखा था उसको किसमें बदल रहे हैं, केमिस्ट्री में। तो केमिस्ट्री में बदल रहे तो एक समीकरण बन रहा है, इस समीकरण को क्या बोलते हैं हम लोग, इस समीकरण को ही बोलते हैं हम लोग रासायनिक समीकरण। इसका भी आप चाहते स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक, सबके लास्ट में हम स्क्रीनशॉट देने का जरूर मौका देंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसका प्रॉपर एक नोट्स बनाइए। अगला टॉपिक हमारा आता है रासायनिक समीकरण जो होता है, इसके दो प्रकार होते हैं, एक होता है संतुलित रासायनिक समीकरण और एक होता है असंतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक, एक बैलेंस केमिकल इक्वेशन और एक होता है अनबैलेंस केमिकल रिएक्शन। ठीक, तो केमिकल रिएक्शन जो होता है, अभी तो समझ गए, बात करते हैं थोड़ा बैलेंस की। अब यहीं से आपको चीज़ों को समझना है, यही से चीज़ों को आपको समझना है कि केमिकल रिएक्शन जो होती है किस तरह बैलेंस होती है। और आपके एग्जाम में हर साल या हर बार 6 नंबर का या 5 नंबर का क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है। आपको समीकरण दिया जाता है और कहता है कि निम्नलिखित समीकरणों को संतुलित कीजिए और आपको मिलते हैं इसके बदले में 5 नंबर। ठीक, तो इस चीज़ को बहुत ध्यान समझिएगा कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है और असंतुलित से संतुलित में कैसे बदला जाता है, और ये क्वेश्चन आपसे बार बार एग्जाम में पूछा जाएगा। चलिए ध्यान दीजिएगा, संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो अभी देखिए हम रिएक्शन लिखे हैं यहाँ पे H2+O2, दोनों मिल गया तो बना लिया H2O। हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस मिल गए तो क्या बन गया आपका, जल। लेकिन थोड़ा ध्यान दीजिएगा, अगर हम बात करें LHS की तो LHS में कितने हमारे पास तत्व उपस्थित हैं, 2, एक हाइड्रोजन उपस्थित है और एक ऑक्सीजन। और अब बात करते हैं हम लोग RHS की, तो RHS में हमारे पास कितने तत्व उपस्थित हैं, RHS में हमारे पास कितने तत्व उपस्थित हैं, तो 2। कौन कौन, तो इधर भी हमारे पास उपस्थित है एक हाइड्रोजन और एक ऑक्सीजन। अब थोड़ा बात करते हैं कि LHS में
अणुओं की संख्या कितनी है? तो हाइड्रोजन इधर हम देख रहे हैं कि कितना है, दो, और ऑक्सीजन कितना देख रहे हैं, इधर आया दो। अब बात करते हैं थोड़ा सा आरएचएस में कि अणुओं की संख्या कितनी है। तो हाइड्रोजन हो गया दो और ऑक्सीजन कितना हो गया, एक। ठीक, तो इधर हम देख रहे थे कि रिएक्शन का है, इधर ऑक्सीजन की संख्या दो है और इधर ऑक्सीजन की संख्या एक है, एक में ऑक्सीजन की संख्या दो और एक में ऑक्सीजन की संख्या एक। तो आप क्लास नाइन्थ में पढ़ गए थे द्रव्यमान संरक्षण का नियम, पढ़ गया है द्रव्यमान संरक्षण का नियम। द्रव्यमान संरक्षण का नियम क्या कहता था? ये कहता था कि किसी भी अभिक्रिया में अभिक्रिया के पूर्व और अभिक्रिया के बाद जो द्रव्यमान होता है वो एक समान रहता है या निहित होता है, अर्थात द्रव्यमान को आप ना तो उत्पन्न कर सकते हैं ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो ये कह रहा था कि यहाँ पे ऑक्सीजन की दो मात्रा थी, ये ऑक्सीजन मान लीजिए कि यहाँ पे 40 ग्राम था, तो यहाँ आने के बाद ये 20 ग्राम कैसे हो गया, द्रव्यमान कैसे नष्ट हो गया। तो ये जो नियम होता है, इस नियम को फॉलो करने के लिए हमको क्या करना होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा, इस रिएक्शन को बैलेंस करना होगा अर्थात संतुलित करना होगा। तो संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है? संतुलित रासायनिक समीकरण का मतलब होता है कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारक में आने वाले अणुओं की संख्या उत्पाद में आने वाले अणुओं की संख्या के क्या होती है, बराबर होती है, उसे ही क्या बोलते हैं, उसे ही बोलते हैं हम लोग संतुलित रासायनिक समीकरण। यह ऐसा समीकरण जिसमें अभिकारक में उपस्थित अणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे ही हम क्या बोलते हैं, उसको ही हम बोलते हैं संतुलित रासायनिक समीकरण। और जहाँ बराबर नहीं होती उसे क्या बोलते हैं हम लोग, असंतुलित रासायनिक समीकरण। जैसे यहाँ समझिएगा ये कैसा रिएक्शन है, ये रिएक्शन हमारा है असंतुलित या अनबैलेंस रिएक्शन। अभी इसको हमको बैलेंस करना है, तो बैलेंस कैसे किया जाता है, बस देख लीजिए कि यहाँ हाइड्रोजन दो था, यहाँ हाइड्रोजन दो है, ऑक्सीजन बैलेंस नहीं है, यहाँ दो है यहाँ एक है, तो यहाँ दो से मल्टीप्लाई करना होगा। इस साइड कराते हैं हम दो से मल्टीप्लाई, अर्थात ऑक्सीजन कर दिए हम दो, तो ऑक्सीजन को जो दो किए हैं तो हाइड्रोजन हो गया चार, तो हाइड्रोजन को चार करने के लिए हम क्या कर दिए, यहाँ दो से मल्टीप्लाई। अब देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, हाइड्रोजन यहाँ पे फिर हो गया चार, और ऑक्सीजन कितना है, इधर इधर हो गया ऑक्सीजन दो। इधर थोड़ा ध्यान दीजिए कि हाइड्रोजन अब कितना है, हाइड्रोजन अभी इधर चार हो गया और ऑक्सीजन भी इधर कितना हो गया दो। तो इस तरह आप रासायनिक समीकरण को बैलेंस कर सकते हैं और इस तरह आप समझ सकते हैं कि संतुलित और असंतुलित क्या होता है। तो संतुलित में आपको दिक्कत नहीं होगा, इसको भी लिख ही देते हैं फटाफट कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है और कैसे होता है। संतुलित रासायनिक समीकरण बोल देंगे आप ऐसा रासायनिक समीकरण, ऐसा ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें जिसमें अभिकारक में उपस्थित अणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होती है, उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। ठीक, ऐसी रासायनिक समीकरण या ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक में उपस्थित अणुओं की संख्या उत्पाद में उपस्थित अणुओं की संख्या के बराबर होती है उसे संतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं, और जिसमें बराबर नहीं होती है उसे असंतुलित रासायनिक समीकरण कहते हैं। जैसे इसका एग्जांपल देखिएगा आप लोग कि इसका एग्जांपल क्या होगा, जैसे एग्जांपल देख लीजिए फटाफट। मान लीजिए कि यहाँ पे हमारा आ गया HCH2 और CO2, हाइड्रोजन गैस और क्लोरीन गैस है, दोनों मिल गए आपस में और बना लिए HCl, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो यहाँ जो HCl बना है, इधर देखिए हाइड्रोजन दो है, इधर भी हाइड्रोजन दो है, इधर ऑक्सीजन, इधर कोलिन देखिए दो है, इधर भी कोलिन आपका दो है। और एग्जांपल ले सकते हैं H2 plus O2 मिल के बना लिया 2H2O,
ठीक, यहाँ हाइड्रोजन बैलेंस कर लीजिए, यहाँ बैलेंस हो ही गया। और भी एग्जांपल ले सकते हैं, N2+H2 मिल के बना लीजिए आपका NH3, तो 2 यहाँ लगा लेंगे और यहाँ 3 लगा लेंगे। ठीक, तो ऐसे ही आप बैलेंस केमिकल रिएक्शन लिख सकते हैं। और बैलेंस करने का तरीका हम बताया, LHS में लिखिए और मल्टीप्लाई करा दीजिए, देखिए कि किधर 2 से मल्टीप्लाई करना, किधर 3 से मल्टीप्लाई करना। ज़्यादातर रासायनिक समीकरणों में 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। ठीक, आगे हम देखते हैं अगला टॉपिक क्या है। इसका चाहे तो आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिएगा आप लोग। अब आगे हम बात करते हैं कि हमारे पास अगला जो है, हमारे पास आगे की चीज़ें हैं, टाइप ऑफ रासायनिक रिएक्शन या टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन। ठीक, आधा हिंदी आधा इंग्लिश हो गया, सॉरी, टाइप ऑफ केमिकल रिएक्शन या रासायनिक अभिक्रिया के प्रकार। तो अगर आप देखेंगे तो मुख्य रूप से 4 प्रकार आपको दिए होंगे आपके बुक में, लेकिन हम यहाँ टोटल 9 प्रकार के केमिकल रिएक्शन पढ़ेंगे, मतलब सबको एक ही साथ पढ़ लेंगे। मुख्य में 4 कौन कौन दिया होगा, एक आपका दिया होगा संयोजन अभिक्रिया, एक वियोजन अभिक्रिया और एक दिया होगा विस्थापन, एक द्विविस्थापन। ठीक, कॉम्बिनेशन या एडिशनल रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, ठीक, कंपोजिशन रिएक्शन और लास्ट डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। 4 रिएक्शन आपको दिए हैं NCERT में, लेकिन इन 4 के अंदर दिए हैं और रिएक्शन, जैसे एंडोथर्मिक है, एक्सोथर्मिक है अर्थात ऊष्माक्षेपी ऊष्माशोषी अभिक्रिया। ठीक, उसके अलावा इनसे रिलेटेड क्वेश्चन बहुत सारे, उसके अलावा आपको ये दिया हुआ उपचयन अभिक्रिया, अपचयन अभिक्रिया और रेडॉक्स अभिक्रिया, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन, रिडक्शन और रेडॉक्स रिएक्शन क्या होता है। और लास्ट दो चीज़ दी है आपकी बुक में, एक कोरिजन के बारे में, संक्षारण के बारे में, और एक दी आपका रेंसिटी के बारे में अर्थात विकृत कंदिता के बारे में। फिर आपका पूरा ये चैप्टर हो जाएगा ख़त्म। इसके अलावा हम कुछ और इंपॉर्टेंट चीज़ों की बात करेंगे, जैसे कि हमारे पास वेग के आधार पर रासायनिक अभिक्रिया कितने प्रकार की होती है, तीव्र अभिक्रिया क्या होती है, अतितीव्र अभिक्रिया क्या होती है, उत्प्रेरक क्या होता है, इन सभी चीज़ों के बारे में इस वीडियो में डिटेल से बात करेंगे। ये वीडियो देखने के बाद, आज के बाद आपको दूसरी वीडियो देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और ये पूरा चैप्टर आपको हमेशा के लिए कंप्लीट हो जाएगा। तो इस पूरे वीडियो को लास्ट तक देखिए, आपका एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगा, किसी प्रकार का कोई दिक्कत नहीं रहेगा। इस चैप्टर आपका, ये जो चैप्टर है आपका 100% कंप्लीट हो जाएगा। थोड़ा बात करते हैं हम लोग कॉम्बिनेशन रिएक्शन की, कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या होता है या संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। आप एक चीज़ याद रखिएगा, एक अभिक्रिया के बहुत सारे नाम होते हैं और आपको बहुत सारे नाम याद करके जाना है। सर, इस बार यूपी बोर्ड के पेपर में आपसे पूछा था संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं। ठीक, संयोजन अभिक्रिया का एक और नाम दिया होता बुकों में, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया, योगात्मक अभिक्रिया पूछा था एक बार। 2 नंबर का क्वेश्चन कि संकलन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इसका उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। तो संकलन अभिक्रिया आप लोग नहीं पढ़े होंगे, या अभी जब हम दिखा रहे थे तो यहाँ पर आप देखे होंगे तो आपका संकलन अभिक्रिया था अभी नहीं कहीं। देखिए तो यहाँ पर आपको कोई संकलन अभिक्रिया दिख रहा है, यहाँ देखिए आपको संकलन अभिक्रिया दिख रहा है, यहाँ संकलन अभिक्रिया आपका है कहीं, संकलन अभिक्रिया नहीं है। मतलब कहने का ये है कि एक अभिक्रिया के बहुत सारे नाम भी होते हैं, तो उनका आप उपनाम भी थोड़ा देख लीजिएगा कि उनका उपनाम क्या है। संयोजन अभिक्रिया को हम दूसरे रूप में योगात्मक अभिक्रिया कहते हैं और तीसरे रूप में इसको संकलन अभिक्रिया भी कहा जाता है। संकलन का मतलब होता है एडिशन या जोड़, संकलन अभिक्रिया। ठीक, तो तीनों नाम याद रखिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है। तो हम बात करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या होती है और फिर बात करेंगे हम लोग वियोजन अभिक्रिया क्या होती है। आपके पेपर में पूछा था क्वेश्चन, संयोजन अभिक्रिया को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत अभिक्रिया क्यों कहा जाता है, उदाहरण सहित स्पष्ट कीजिए। या NCERT के बुक में ये क्वेश्चन डायरेक्ट आपको देखने को मिल जाएगा, आपके एग्जाम में बार बार पूछा भी जाता है। तो हम बात करते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या होती है। संयोजन का मतलब होता है जोड़ना, जैसे 2 और 2 जोड़ते हैं तो कितना होता है 4। तो वैसे में यही बोलता है कि जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं, मान लीजिए कि एक ए है और एक बी है, दोनों आपस में मिले तो मिल के क्या बना लिए, ए बी। ठीक, अर्थात जब 2 पदार्थ आपस में मिलते हैं और मिल के एक ही उत्पाद के अणु का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, जब 2 पदार्थ आपस में मिलकर उत्पाद के केवल एक अणु का निर्माण करते हैं या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं तो इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, संयोजन अभिक्रिया। जैसे हम पीछे बहुत सारे रिएक्शन यही लिखे थे, H2 हो गया, O2 हो गया, दोनों आपस में मिल गया तो बना लिया H2O। तो 2 मिला और मिल के केवल एक बनाया, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलेंगे, इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे हम अपने पास संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है,
तो वियोजन अभिक्रिया क्या होती है? तो वियोजन अभिक्रिया जो होती है इसके विपरीत होती है। इसमें कोई अभिकारक का एक अणु होता है और यह टूट जाता है उत्पाद के दो अणु में। इसलिए यहाँ देखिए, यहाँ दो मिल के एक बना रहा है, यहाँ दो मिल के एक बना रहा है, और यहाँ आपके पास एक दो में टूट जा रहा है। तो ये आप देख रहे हैं कि दोनों एक दूसरे के उल्टा हैं, संयोजन वियोजन के उल्टा है। तो उल्टा होने के कारण ही क्या बोलते हैं, उल्टा होने के कारण इनको हम बोलते हैं एक दूसरे के विपरीत अभिक्रिया, और या एक दूसरे के उल्टी उल्टी अभिक्रिया, कि एक दोनों ये एक दोनों के क्या होती हैं, व्युत्क्रम होती हैं। अब थोड़ा बात कीजिएगा, एक दोनों के क्या होती हैं, एक दूसरे के विपरीत होती हैं। इसका एग्जांपल देखिए, इसको ही तोड़ सकते हैं, इसको आप इलेक्ट्रिसिटी दीजिएगा तो टूट जाएगा, तेजी से टूटेगा एच टू में और ओ टू में, फिर जल को तोड़ेंगे तो फिर टूट जाएगा हाइड्रोजन गैस और ऑक्सीजन गैस में, या इसको गर्म करेंगे तो भी टूट जाएगा। यहाँ देख सकते हैं, इसको देंगे तो ये टूटेगा किस में, ओ एच ऋण आयन में और एच धन आयन में। जब अगला चैप्टर हम पढ़ेंगे अम्ल क्षार लवण, तो आप पढ़ेंगे ओ एच ऋण आयन हाइड्रोक्सिल आयन के बारे में और एच प्लस आयन या प्रोटॉन के बारे में, क्या होते हैं, अम्ल क्या होते हैं, क्षारक क्या होते हैं, सब कुछ के बारे में। चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और नीचे वीडियो के जाके आप कमेंट जरूर कीजिए कि वीडियो कैसी लग रही है। और एक हम सीरीज स्टार्ट करेंगे क्लास टेंथ के सभी चैप्टरों का, जितने चैप्टर क्लास टेंथ के हैं उन सभी चैप्टर का वन शॉट वीडियो। और अगर सीरीज बढ़िया लगेगी तो वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए, और कमेंट करना जरूर, कमेंट करना आप लोग मत भूलिएगा। तो आप समझ लिए कि संयोजन अभिक्रिया वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, विपरीत कैसे होती है, इस चीज़ को थोड़ा देखिएगा, फिर से एक बार देख लेते हैं। संयोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक के दो या दो से अधिक अणु आपस में मिलके उत्पाद के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, संयोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु या अभिकारक उत्पाद के दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, वियोजन अभिक्रिया। और वियोजन अभिक्रिया तीन प्रकार की और भी होती है, ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया, और एक हमारे पास होता है विद्युत वियोजन अभिक्रिया या वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। वियोजन अभिक्रिया का दूसरा नाम देख लीजिएगा, इसको अपघटन अभिक्रिया भी कहा जाता है। तो आपके एग्जाम में वियोजन या अपघटन में से कोई एक पूछ सकता है, ठीक, थोड़ा देख लीजिएगा आगे। तो इस चीज़ को आप समझ लीजिए एग्जाम्पल से। अब इन दोनों का फटाफट हम डिफिनेशन लिख देते हैं, या डिफिनेशन आप समझ लिए हैं तो सिंपल आप बोलेंगे कि जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलके केवल एक पदार्थ का निर्माण करते हैं, सॉरी, जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर उत्पाद के एक अणु का निर्माण करते हैं, तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम बोलते हैं संयोजन अभिक्रिया। और जब उत्पाद के, या ऐसे बोल सकते हैं, जब अभिक्रिया के एक अणु उत्पाद के दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, तो उसको बोलते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया। ये हमारा योगात्मक अभिक्रिया था, नाम जरूर आप लोग याद रखेंगे। अब थोड़ा बात करते हैं टाइप ऑफ डीकम्पोजिशन रिएक्शन, वियोजन अभिक्रिया के प्रकार के बारे में। तो वियोजन अभिक्रिया के जो प्रकार होती हैं, ये होती हैं तीन, कौन कौन से, एक होता है हमारा ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, वियोजन बोलिए, या अपघटन अभिक्रिया, ऊष्मीय अपघटन अभिक्रिया या वियोजन अभिक्रिया। एक हमारा होता है प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया, और एक होता है हमारे पास वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। ठीक, इन तीनों को देख लीजिएगा, आपके एग्जाम में पूछा जाता है, हो सके तो पूछ सकता है कि वियोजन अभिक्रिया किसे कहते हैं, इनके प्रकारों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और सबसे लास्ट में आपको इस चैप्टर का हम सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताएंगे, तो वीडियो को लास्ट तक देखना, जो भूलिएगा मत आप लोग। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो वियोजन अभिक्रिया आप समझ गए कि इसमें कोई भी पदार्थ रहेगा और वो टूट जाएगा उत्पाद के दो या दो से अधिक अणुओं के रूप में। ठीक, कोई भी अभिकारक का एक अणु रहेगा वो टूट जाएगा उत्पाद के दो या दो से अधिक अणुओं के रूप में। तो आप देखिए, पहला है हमारे पास ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के उपस्थिति में होती है। किसकी उपस्थिति में होती है, ऊष्मा के उपस्थिति में। जैसा देखिएगा, जैसे आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट है, क्या आपके पास कैल्शियम कार्बोनेट, इसको जब गर्म करेंगे, कैल्शियम कार्बोनेट का मतलब चूना पत्थर बोल सकते हैं या संगमरमर बोल सकते हैं, जब इसको आप गर्म करेंगे तो ये टूट जाएगा, किस में टूटेगा, कैल्शियम ऑक्साइड में,
और किस में टूटेगा, कार्बन डाइऑक्साइड में। बात फिर आती है कि सर जी ये रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो चेक कर लीजिए। कैल्शियम एक, कैल्शियम एक, ऑक्सीजन की मात्रा यहाँ तीन है। कैल्शियम कार्बोनेट का सूत्र होता है CaCO3, क्या होता है सूत्र बहुआ, CaCO3, कैल्शियम कार्बोनेट। तो यहाँ जब इसको आप गर्म करेंगे तो टूट जाएगा किस में, कैल्शियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड में टूटेगा। तो बैलेंस हमको लेके थोड़ा चेक कर लीजिए कि रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं। तो कैल्शियम एक है, कैल्शियम एक है, ऑक्सीजन तीन है, तो एक और दो तीन, कार्बन एक है तो कार्बन एक है। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव में होती है, किसके प्रभाव में, सॉरी प्रभाव में बोल सकते हैं या उपस्थिति में होती है, उसे बोलते हैं ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया। प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है। जैसे देख लीजिएगा फटाफट, जैसे आपके पास सिल्वर क्लोराइड है, क्या आपके पास सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड को जब आप तोड़ेंगे किसके उपस्थिति में, प्रकाश की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में, ठीक, तो ये टूट जाएगा किस में, सिल्वर में टूटेगा और कोलीन गैस में टूटेगा। अर्थ समझ में। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, किसकी उपस्थिति में होती है, प्रकाश की, उसे हम क्या बोलते हैं, उसको हम बोलते हैं प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया, ठीक। और एक है वैद्युत वियोजन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जो वैद्युत की उपस्थिति में होती है, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में होती है। जैसे अभी हम जल को लिए थे, तो जल को आप तोड़ेंगे तो ये टूट जाएगा किस में, अगर आप इसको विद्युत का प्रवाह देंगे तो ये टूट जाएगा किस में, ये टूट जाएगा किस में, H2O को देंगे तो ये टूट जाएगा H2 में, और किस में टूट जाएगा, O2 में, किसके उपस्थिति में, वैद्युत की उपस्थिति में। ये आयन के रूप में इसको तोड़ना होगा, तो आयन के रूप में टूट जाएगा H2O, इलेक्ट्रिसिटी की उपस्थिति में ही OH ऋण आयन और H+ धन आयन के रूप में। बात समझ में आ रही है, तो ये टूट जाएगा H2 और O2 में, या ये टूट जाएगा OH और H+ आयन के रूप में। तो आप इन तीनों को भी समझ लिए होंगे, और इनका डिफिनेशन बहुत सिंपल है, एक बार फिर से और समझ लीजिएगा और आपको आसानी से याद भी हो जाएगा। संयोजन अभिक्रिया क्या होता है, तो जब दो या दो से अधिक पदार्थ आपस में मिलकर केवल एक ही पदार्थ का निर्माण करते हैं या एक ही उत्पाद का निर्माण करते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही संयोजन अभिक्रिया कहा जाता है। ठीक, क्लियर है सबको। अब आगे हम बात करते हैं वियोजन अभिक्रिया की। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें अभिकारक का एक अणु उत्पाद के दो या दो से अधिक अणुओं में टूट जाता है, तो इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं, या इस प्रक्रिया को या इस अभिक्रिया को हम बोलते हैं वियोजन अभिक्रिया। ठीक, अब यह आप सिंपल बोल सकते हैं, ऐसी अभिक्रिया जिसमें क्या होता है, देखिए एक साथ एक मतलब संयोजन हो रहा था, जुड़ रहे हैं, और एक में क्या हो रहा है, वियोजन मतलब अलग हो रहा है। तो ऐसी अभिक्रिया आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछेगा कि संयोजन को वियोजन अभिक्रिया के विपरीत क्यों कहा जाता है, तो इसका रीजन लिखेंगे कि एक अभिक्रिया में दो चीज़ आपस में मिलकर एक पदार्थ बनाते हैं, और एक में दो चीज़ अलग अलग हो जाते हैं, अर्थात एक में एक चीज़ दो अलग अलग भागों में टूट जाता है, और दो अलग अलग चीज़ मिलकर एक में आ जाता है। ठीक, आगे देख लीजिए, ऊष्मीय या वियोजन अभिक्रिया जो होता है वो तीन प्रकार का होता है, एक ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया, एक प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया, और एक वैद्युत वियोजन अभिक्रिया। तो ऐसी वियोजन अभिक्रिया जिसमें या ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो ऊष्मा के प्रभाव में होती है या ऊष्मा की उपस्थिति में होती है, उसे ऊष्मीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो प्रकाश की उपस्थिति में होती है, उसे प्रकाशकीय वियोजन अभिक्रिया कहते हैं। यह ऐसी वियोजन अभिक्रिया जो वैद्युत की उपस्थिति में होती है, उसे वैद्युत वियोजन अभिक्रिया कहा जाता है। चीज़ें आपको समझ में आ रही, कोई दिक्कत परेशानी आपको नहीं होगी। तो अगला बात करते हैं हम लोग कि हमारे पास डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है और डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन का होता है, अर्थात प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। ठीक, प्रतिस्थापन अभिक्रिया बहुत आसान है। प्रतिस्थापन का मतलब क्या होता है, मैथ आपको अगर आप पढ़ रहे होंगे तो मैथ में आपका एक मेथड होगा प्रतिस्थापन विधि द्वारा सॉल्व करने का समीकरणों का। तो हम बात करते हैं प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है। प्रतिस्थापन का मतलब होता है प्रतिस्थापित करना। प्रतिस्थापित का मतलब होता है कि एक चीज़ को यह उसको किसी चीज़ से प्रतिस्थापित कर दें, या उसको उठा कर यहाँ से वहाँ कर दें। तो वही होता है कि प्रतिस्थापित कर दीजिए, या उसको खसका दीजिए, या जो चीज़ आप समझ रहे हैं। इस चीज़ को एग्जाम्पल समझते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे पास ए बी है और एक यहाँ पे सी है। ठीक, अच्छा मान लीजिए कि ए बी या ए की गर्लफ्रेंड जो है वह यहाँ से इसी चीज़ को इसको थोड़ा हम लोग समझते हैं अपने लैंग्वेज में। ठीक, मान लीजिए कि ये राम है और राम की गर्लफ्रेंड क्या है, वह बी है। राम की गर्लफ्रेंड क्या है, बी, और राम की गर्लफ्रेंड पर नज़र है सी का। ठीक, राम की गर्लफ्रेंड पर नज़र है किसका, सी का। अब राम जो है थोड़ा कमज़ोर है या कम पैसा वाला है,
राम जो है थोड़ा कमजोर है, ये कम पैसा वाला है, और जो सी है ये थोड़ा कमजोर के साथ साथ देखिए ये कमजोर भी है, कम पैसा वाला भी है, उतना सुंदर भी नहीं है। आई जो है लड़कियाँ ये बेवफा होने वाली लड़कियाँ है, या ई जो लड़कियाँ बउआ ये समझिएगा इसे बेवफा होने वाली है, या इसको छोड़ के जाने वाली है, बस सोचती है कि अगर कौन मिल जाए तो हम छोड़ के चल जाए। तो सी आता हुआ इनके बीच में, सी कैसे आता है बीच में, तो ये बरियार भी होता है, बरियार का मतलब अधिक अभिक्रियाशील होता है, मतलब कि जो सी है, सी का है इसके पास ये ज़्यादा बढ़िया भी है, देखने में बढ़िया है, और देखने के साथ साथ इसके पास पैसे भी है, ये अमीर भी है, और इसका सब कुछ सही है। तो करेगा क्या, ये आएगा और आके हुआ इसके साथ लड़ाई करेगा, और लड़ाई करके इसको लेके जाएगा, और लेके जाएगा तो क्या बने जाएगा, सी भी बनेगा, और फिर हुआ ये हो जाएगा सिंगल, क्या हो जाएगा फिर सिंगल। मतलब कहने का था कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, इसकी परिभाषा देखेंगे तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु या तत्व या पदार्थ, जो भी चीज़ हमारा हो धातु तत्व पदार्थ, कम अभिक्रियाशील वाले धातु या तत्व या पदार्थ को उनके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देते हैं, तो इस प्रक्रिया को ही प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। ध्यान से फिर समझ लीजिएगा, हम क्या बोल रहे थे, हम बोल रहे थे वो हुआ सी जो है बरियार है, किससे बरियार है, ए से। सी जो है ज़्यादा सुंदर है, किससे सुंदर है, ए से। अरे वो जो सी है ये ज़्यादा पैसा वाला है, किससे ज़्यादा पैसा वाला है, ए से। तो सबसे बढ़िया ही है तो गर्लफ्रेंड एकरा संग नहीं रहेगी तो क्या एकरा संग रहेगी बबुआ, नहीं ना रहेगी। तो जब एकरा संग नहीं रहेगी तो क्या करेगा, ये आएगा इसको यहाँ से प्रतिस्थापित करेगा और इसके जगह पर खुद चला जाएगा। इसी वजह से इस अभिक्रिया को क्या बोलेंगे, इसी वजह से इस अभिक्रिया को हम बोलेंगे प्रतिस्थापन अभिक्रिया। कौन सी अभिक्रिया बोलेंगे, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील धातु तत्व पदार्थ कम अभिक्रियाशील धातु तत्व पदार्थ को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, तो उस या इस प्रक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, या इस अभिक्रिया को क्या बोलते हैं हम लोग, विस्थापन अभिक्रिया। और एक और चीज़ समझिएगा, विस्थापन अभिक्रिया में अधिक अभिक्रियाशील, हम एक वर्ड का यूज कर रहे हैं, अधिक अभिक्रियाशील मतलब ज़्यादा मजबूत। तो आपको केमिस्ट्री में कैसे पता चलेगा, जैसे इस चीज़ को समझिए, जैसे इस चीज़ को समझिए, यहाँ पे हमारे पास NaCl है और यहाँ हमारे पास पोटेशियम है, ध्यान समझिएगा, और नीचे हमारे पास KCl है और यहाँ पोटेशियम है। अभी कल जब तीसरे चैप्टर आप पढ़ेंगे धातु और धातु का, तो वहाँ एक चीज़ पढ़ाया जाएगा आपको सक्रियता श्रेणी के बारे में। सक्रियता श्रेणी का मतलब होता है कि हम एक श्रेणी बनाते हैं जिसमें सबसे बरियार होता है उसको सबसे ऊपर रखते हैं, ठीक। इसको याद करने का तरीका भी होता है, लीना के बाबा काका नाना मांगे, ऐसे करके होता है ट्रिक, ठीक। लीना के बाबा काका नाना मांगे एलुमिनियम का घर, अर्थात एक सीक्वेंस हम रख के याद करते हैं, तो तीसरे चैप्टर में आपको बताया जाएगा कौन किससे मजबूत होता है और कितना मजबूत होता है, इस सारी चीज़ों के बारे में। तो यहाँ समझिएगा थोड़ा सा, इन दोनों हम कैसे जानेंगे कि हमारे पास कौन मजबूत है और कौन सा नहीं है। तो अभी हम बता रहे थे कि जो मजबूती की बात करते हैं, तो पोटेशियम हो गया ये लीना के, ऐसे करके होता है लीना के, अर्थात मेरे कहने का ही है कि जब आप देखेंगे केमिस्ट्री में, तो केमिस्ट्री में एक अभिक्रियाशीलता होती है या एक श्रेणी बनाई जाती है जहाँ पर मजबूत लोगों को रखा जाता है। से यहाँ पर जैसे भारत हो गया, तो भारत में जो सबसे अमीर है उसको सबसे पहले रखा जाता है, तो उस तरह केमिस्ट्री में जो सबसे बरियार होता है उसको एक श्रेणी में रखा जाता है, जिस श्रेणी को क्या बोलते हैं बरियार, किसके बेस पे, कि जो कितना बरियार है अर्थात कितना मजबूत है उसी बेस पे। तो उस बेस पे जब रखा जाता है तो एक श्रेणी बनती है, जिस श्रेणी को हम क्या बोलते हैं, उस श्रेणी को हम बोलते हैं सजातीय श्रेणी। तो आप देखेंगे उस श्रेणी में, तो जो श्रेणी में सबसे पहले आएगा वो क्या होगा, ज़्यादा मजबूत होगा। तो पहले आता है उसमें लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर हमारा बेरियम, फिर आता है हमारे पास कैल्शियम। तो ऐसे करके सीक्वेंस होता है। तो आप देखेंगे कि हो गया सोडियम और ये हो गया पोटेशियम, तो हम बोल रहे हैं बउआ कि हमारे पास जो सोडियम होता है ये बरियार होता है किसके तुलना में, पोटेशियम की तुलना में। ध्यान दीजिएगा, ये जो सोडियम होता है ये मजबूत होता है किसकी तुलना में, पोटेशियम की तुलना में। तो पोटेशियम आया और इस पर आक्रमण किया, अर्थात इससे लड़ने आया कि हमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद आ गई, हमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड चाहिए। तो ये जब आया बउआ इसके साथ कि हम लड़ाई करके तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले जाएंगे, तो ये बोला कि ये पॉसिबल नहीं है और तेरे में ताकत नहीं है कि तुम्हारी गर्लफ्रेंड को ले जाएगा, और दिया एक गुस्सा मुँह पे, तो इसका मुँह हो गया करिए और ये चला गया, और ये चला गया तो एक मतलब ये डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन नहीं हुआ। फिर से समझिएगा बउआ, अब की बार क्या हुआ, अब की बार कह रहा है कि हमारे पास अब की बार KCl अर्थात पोटेशियम के पास गर्लफ्रेंड है, और सोडियम आया
और सोडियम आके बोला कि हमको तुम्हारी गर्लफ्रेंड पसंद हो गई या पसंद आ गई और हम तुम्हारी गर्लफ्रेंड को अब हम ले जाएंगे अपने साथ रखेंगे। तो ये बबुआ आया, इससे साथ लड़ाई हुई, और लड़ाई हुई तो तुमको पता है कि जो सोडियम होता है ये ज़्यादा मजबूत होता है, ये अधिक अभिक्रियाशील होता है, और अधिक अभिक्रियाशील होता है तो क्या करेगा, अधिक अभिक्रियाशील होता है तो क्या करेगा, यहाँ से सीएल को ले जाएगा और ले जाके एक रिएक्शन बनाएगा, या इसके साथ शादी करेगा, या अपने साथ रखेगा, और फिर हमारा जो पोटेशियम होगा क्या होगा, अलग हो जाएगा। चीज़ें आपको समझ में आई होंगी 100% कि जो अधिक अभिक्रियाशील तत्व या पदार्थ होगा कम अभिक्रियाशील तत्व या पदार्थ को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देगा, यही प्रक्रिया क्या कहलाएगी, प्रतिस्थापन अभिक्रिया। इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है, और आवश्यकता है तो इसको भी हम लिख देते हैं फटाफट, लिख लीजिएगा। जब, या ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें अधिक अभिक्रियाशील सील धातु पदार्थ या तत्व, बोलना धातु या पदार्थ, ठीक, कम अभिक्रियाशील धातु या पदार्थ को उसके यौगिक से प्रतिस्थापित कर देता है, तो इस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, इस अभिक्रिया को ही विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, इसको विस्थापन या प्रतिस्थापन अभिक्रिया कहा जाता है, इसका भी दूसरा नाम है, देख लीजिएगा। इसका एग्जांपल अभी लिखे थे हम, ठीक, कि हमारे पास जो होगा, जैसे मान लीजिए एच सी एल है और यहाँ सोडियम है, तो यहाँ हो जाएगा हमारा एन ए सी एल और हाइड्रोजन गैस हो जाएगा अलग, ठीक, हाइड्रोजन गैस क्या हो जाएगा हमारा अलग, इसको थोड़ा बैलेंस कर लीजिएगा आप लोग, ठीक। तो यहाँ सोडियम आएगा, इससे ज़्यादा मजबूत होगा तो इसको क्या करेगा, प्रतिस्थापित करेगा, अब प्रतिस्थापित करेगा तो एक नया यौगिक बनाएगा अपना सोडियम क्लोराइड, या इसी को हम क्या बोलते हैं, नमक, सोडियम क्लोराइड या इसी को नमक, नमक का सूत्र क्या होता है, एन ए सी एल। अब हम बात करते हैं डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन या दुई विस्थापन अभिक्रिया का, ये क्या होता है, इस चीज़ को समझिएगा, इसका स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं, तो स्क्रीनशॉट इसका ले लीजिए। अब हम बात करते हैं थोड़ा कि डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन क्या होता है, डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन किसे कहा जाता है, इस चीज़ को थोड़ा देख लीजिए, ये कहाँ चला गया, पहले देख लेते हैं हम लोग द्वि विस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, द्वि विस्थापन अभिक्रिया या डबल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, तो इसमें इसका परिभाषा बहुत सिंपल है, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली होती है, यही प्रतिस्थापन अभिक्रिया ही होता है एक प्रकार का, लेकिन इसमें आयन की अदला बदली होगी, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें आयन, अब आयन क्या होते हैं, तो आयन आप पढ़े होंगे धनायन और ऋणायन, वही आयनों की अदला बदली मतलब हेर फेर बदली होती है, उसे द्वि विस्थापन अभिक्रिया कहते हैं। इस चीज़ को समझ लीजिए फटाफट से, आपका मान लीजिए कि सोडियम सल्फेट है और बेरियम क्लोराइड है और आपस में जब रिएक्ट करेंगे तो आपको पता है कि सोडियम में प्लस का चार्ज होता है और सल्फेट में माइनस का चार्ज होता है, ठीक, इस चीज़ को समझ लीजिए, सोडियम प्लस का चार्ज और इस पर माइनस का टू चार्ज होता है, मतलब माइनस का चार्ज होता है, इस पर प्लस का और इस पर माइनस का, तो आयन का अदला बदली का मतलब धनायन और ऋणायन का क्या होगा, आपस में अदला बदली, सोडियम का होगा
कोलीन के साथ चला जाएगा और बेरियम का होगा सल्फेट के साथ आ जाएगा। कैसे, इस चीज़ को देख लीजिए, यहाँ बन जाएगा सोडियम क्लोराइड, ठीक, और खीर क्या बन जाएगा हमारे पास सोडियम क्लोराइड के साथ, यहाँ बन जाएगा बेरियम सल्फेट। रिएक्शन देख लीजिएगा, रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, यहाँ सोडियम दो था, यहाँ सोडियम दो है, यहाँ देखेंगे तो यहाँ देखिए सोडियम दो था, वहाँ सोडियम दो है, कोलिन दो था, कोलिन दो है, बेरियम का अणु एक था, बेरियम का अणु एक है, सल्फेट का अणु एक है, सल्फेट का अणु एक है, ठीक। तो इस रिएक्शन से आप समझ गए होंगे कि द्विविस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, ऐसी अभिक्रिया जिसमें आयनों का अदला बदली, आयन क्या होते हैं तो धनायन ऋण आयन जो होते हैं, ठीक, जैसे सोडियम प्लस का चार्ज होता है ये हो गया धनायन, Cl में माइनस का होता है ये होगा ऋण आयन, सॉरी Cl में माइनस का चार्ज होता है ये हो गया ऋण आयन, ऑक्सीजन में माइनस का चार्ज होता है माइनस का टू ये हो गया ऋण आयन, नाइट्रोजन में माइनस का थ्री होता है ये हो गया ऋण आयन। तो ऐसे धनायन ऋण आयन जो है इनका आपस में अदला बदली होती है, तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को हम बोलते हैं द्विविस्थापन अभिक्रिया। आगे बात करते हैं उष्माक्षेपी और उष्माशोषी अभिक्रिया क्या होती है, ठीक, इन दोनों की हम बात कर लेते हैं फटाफट, बहुत सिंपल है। एक में उष्मा का शोषण होता है और एक से हमको उष्मा मिलती है, एक में उष्मा का शोषण होता है और एक में हमको उष्मा मिलती है। कैसे मिलती है इस चीज़ को देखिए, उष्माक्षेपी अभिक्रिया क्या होती है, तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया, ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमें उष्मा की प्राप्त होती है। जैसे हम कोयला जलाते हैं, कोयला का मतलब कार्बन को जलाते हैं, तो कार्बन को जलाते हैं तो हमको क्या मिलता है, धुआं, धुआं का मतलब होता है कार्बन डाइऑक्साइड, और साथ ही मिलता है हमको उष्मा, उष्मा मतलब ठंडी के दिन में आप देखे होंगे कि लकड़ी जलाते हैं आप, लकड़ी को जला के उसके चारों तरफ बैठते हैं, तो चारों तरफ जब आप बैठते हैं तो आप देखे होंगे कि आपको चारों तरफ बैठने के बाद एक उष्मा मिलती है जिसको आप तापते हैं या उसको सेंकते हैं, और साथ ही साथ उसमें हमारे साथ धुआं भी निकलता है। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमें उष्मा की प्राप्ति होती है उसे उष्माक्षेपी अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसको पूरा करने के लिए हमको उष्मा देना होता है उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं, या ऐसी अभिक्रिया जिसके द्वारा उष्मा का शोषण किया जाता है, ठीक, उसको हम क्या बोलते हैं, उष्माशोषी अभिक्रिया। जैसे N2 प्लस O2 को आपस में जब मिलाएंगे तो इसको पूरा करने के लिए हमको उष्मा देना होता है, क्या देना होता है, उष्मा, और उष्मा देंगे तब ये रिएक्शन कंप्लीट होगा और बनेगा 2NO, ठीक। तो ये जो रिएक्शन है, इस रिएक्शन को पूरा करने के लिए हमको उष्मा देना होगा, तो उष्मा देना होगा तो ये हो जाएगा हमारा एंडोथर्मिक रिएक्शन, और जिसमें हमको उष्मा मिलेगा उसको हम बोलेंगे एक्सोथर्मिक रिएक्शन या उष्माक्षेपी अभिक्रिया। समझ गए होंगे, कोई दिक्कत आपको नहीं होगी। ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमको उष्मा की प्राप्ति होती है उसको उष्माक्षेपी अभिक्रिया, और ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसके फलस्वरूप हमें जिसको पूरा करने के लिए हमको क्या करना होता है, उष्मा देना होता है, उसे उष्माशोषी अभिक्रिया कहते हैं। आगे हम बात करते हैं थोड़ा सा, ठीक, आगे हम बात करते हैं, आगे हमारे पास है ऑक्सीडेशन, रिडक्शन और रिडॉक्स अभिक्रिया, ठीक। ऑक्सीडेशन या अपचयन, और रिडॉक्स का मतलब उपचयन, और रिडक्शन का मतलब अपचयन, और रिडॉक्स का मतलब होता है कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें अपचयन उपचयन दोनों होता है, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन दोनों होता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, रिडॉक्स अभिक्रिया। तो हम बात करते हैं कि ऑक्सीडेशन क्या होता है, नाम से आपको क्लियर होगा कि ऑक्सीडेशन ऑक्सीकरण, तो ऑक्सीकरण या ऑक्सीडेशन का मतलब क्या होता है, ऑक्सीडेशन का मतलब होता है कि ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो और हाइड्रोजन का ह्रास हो। जैसे हम पीछे एक रिएक्शन जस्ट लिखे थे कार्बन प्लस ऑक्सीजन, तो इसमें आप देख रहे हैं कि ऑक्सीजन जाके जुड़ रहा है किसके साथ, कार्बन के साथ। तो ऐसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम बोलते हैं उपचयन अभिक्रिया या ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। और साथ ही साथ नीचे देखेंगे अपचयन अभिक्रिया, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग हो, जिसमें हाइड्रोजन का योग हो उस अभिक्रिया को हम क्या बोलते हैं, जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसको हम बोलते हैं, जैसे यहाँ ले सकते हैं H2S प्लस Br, और यहाँ पर देखेंगे आप तो यहाँ आपकी जो रिएक्शन है, यहाँ जो आपकी रिएक्शन है हाँ थोड़ा ध्यान दीजिएगा, नहीं यहाँ पे तो नहीं है कोई बात, क्या बोल रहे थे हम, ऑक्सीडेशन रिएक्शन क्या होता है, तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग हो, किसका योग हो, ऑक्सीजन का जिसमें योग होता है अर्थात ऑक्सीजन जिसमें जुड़ता है उसको हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन, ठीक। जैसे और ले सकते हैं, जैसे कॉपर है, कॉपर इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बनता है, कॉपर जब जुड़ता है इसके साथ तो 2Cu बनता है, ठीक, 2CuO कॉपर ऑक्साइड बनता है। तो जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम क्या बोलते हैं, जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको हम बोलते हैं
ऑक्सीडेशन, और जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है उसको बोलते हैं हम लोग अपचयन। हाइड्रोजन का योग का मतलब जैसे H2S है और Br है, इसमें हम देखेंगे तो हमारा क्या होगा, यहाँ हम देखेंगे तो H2S Br में हमारे पास H2 चल जाएगा, Br के साथ HBr बना लेगा, ठीक, हाइड्रोजन ब्रोमाइड, और यहाँ पे सल्फर जो होगा वो अलग हो जाएगा, ठीक। इसको बैलेंस करने के लिए ब्रोमीन यहाँ गैस के रूप में होती है, तो गैस के रूप में होती है तो इसको नीचे यहाँ पे 2 लिखना होगा। काइनेट डिलीट हो रहा है, Br2 होता है, यहाँ 2 हो गया। तो इसमें हम देख रहे हैं कि हाइड्रोजन का हो रहा है, इसके साथ ऐड हो रहा है, और इसमें एक हाइड्रोजन ऐड हो रहा है किसी के साथ, इसको बोलेंगे हम अपचयन अभिक्रिया। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन योग, हाइड्रोजन का योग होता है उसको अपचयन, और जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है उसको उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, ठीक। आगे देखेंगे हम लोग रिडॉक्स अभिक्रिया के बारे में कि हमारा रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है, ठीक, रिडॉक्स अभिक्रिया क्या होता है इस चीज़ के बारे में देख लेते हैं, फिर लास्ट का 2 चीज़ है उसको भी हम देख लेंगे। फिर से चला गया, कोई बात नहीं, हम लिख देते हैं खुद से, ऑक्सीडेशन और रिडक्शन और साथ ही साथ उपचयन, 3 चीज़ें हैं, इनको समझ लीजिए आप आसानी से। उपचयन अभिक्रिया फिर अपचयन अभिक्रिया फिर हमारे पास रिडॉक्स अभिक्रिया या रिडॉक्स अभिक्रिया होता है। तो हम सिंपल बोले हैं कि ऐसी अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग होता है और हाइड्रोजन का ह्रास होता है उसे उपचयन अभिक्रिया कहते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें हाइड्रोजन का योग होता है ऑक्सीजन का ह्रास होता है उसे अपचयन अभिक्रिया बोलते हैं, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों अभिक्रियाएं होती हैं उसे रिडॉक्स अभिक्रिया बोलते हैं, ठीक। जैसे यहाँ देख लेंगे आप, यहाँ अगर आप देखते हैं तो अभी हम लिखे थे एग्जांपल ऑक्सीजन का योग का C+O2 मिलकर बना लिया हमारा CO2, कापर प्लस ऑक्सीजन ये बना लिया हमारा 2CuO, ठीक, ये रिएक्शन बैलेंस हो गया। तो इसमें ऑक्सीजन का ऐड हो रहा था उपचयन, और इसमें देख लीजिए हाइड्रोजन में अभी लिखे थे H2+SBr2 ये बना लिया HBr प्लस यहाँ पे हो जाएगा सल्फर, ठीक, ये जो सल्फर हुआ ये हो जाएगा हमारा रिएक्शन बैलेंस। हाँ, तो आप देख रहे हैं कि इस अभिक्रिया में ये जो अभिक्रिया है इसमें हाइड्रोजन ऐड हो रहा है और इसमें ऑक्सीजन, और ऐसी अभिक्रिया जिसमें दोनों होता है उसको बोलते हैं हम अपचयन अभिक्रिया, ठीक। अब जैसे इसका एग्जांपल फटाफट देख लीजिए, अब रिडॉक्स अभिक्रिया का, रिडॉक्स अभिक्रिया का एग्जांपल लिख सकते हैं Cu+O2 कॉपर ऑक्साइड प्लस हाइड्रोजन, इसमें देखिए दोनों चीज़ होगा, इसमें उपचयन भी होगा और अपचयन भी होगा, कैसे होगा इस चीज़ को देखिएगा, यहाँ सबसे पहले बनेगा जल और यहाँ हो जाएगा Cu अलग, थोड़ा ध्यान दीजिएगा, यहाँ ऑक्सीजन जो था इसके साथ जाके जुड़ गया, यहाँ जो हाइड्रोजन था इसके साथ आके जुड़ गया, यही बोल सकते हैं आप, इसको ये भी बोल सकते हैं आप कि जो ऑक्सीजन था ये जाके इसके साथ जुड़ा, तो ऑक्सीजन जुड़ा तो क्या हो गया, ऑक्सीजन जुड़ा तो हो गया उपचयन, और यहाँ देखिए ये हाइड्रोजन जाके जुड़ा इसके साथ, तो यहाँ से हो जाएगा हमारे पास अपचयन। तो ऐसी अभिक्रिया जिसमें ये दोनों अभिक्रियाँ होती हैं उसको बोलते हैं रिडॉक्स अभिक्रिया, तो ये हो जाएगा एग्जाम्पल किसका, रिडॉक्स का, ठीक। तो ये सारी चीज़ें समझ में आ गई होंगी आपको कि ऑक्सीकरण क्या होता है, उपचयन क्या होता है, फिर ऑक्सीकरण उपचयन, या इसी को हम देखिए उपचयन का ही मतलब होता है ऑक्सीकरण अभिक्रिया, इसको भी रखिएगा एक और नाम ऑक्सीकरण अभिक्रिया, ठीक। आगे हम दो हेडिंग है उसको भी देख लेते हैं फटाफट, एक है संक्षारण, तो देखिए संक्षारण का मतलब होता है ख़राब होना, तो जब हम जो धातु होती हैं उनको या जो पदार्थ होते हैं उनको या जो हमारे पास धातु वाले पदार्थ जो धातु होते हैं या जो पदार्थ होते हैं उनको नमी वाला स्थान पर रखते हैं, तो नमी वाला स्थान पर रखते हैं तो संचित होने लगते हैं या ख़राब होने लगते हैं, और इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं संक्षारण। संक्षारण का मतलब होता है ख़राब होना, ठीक। जैसे लोहे को हम क्या करते हैं, लोहे को जब हम नमी वाले जगह पर रखते हैं, जो लोहा होता है उसको नमी वाले जगह पर रखते हैं तो इस पर क्या लगता है, जंग। तो चांदी को हम जब रखते हैं नमी वाले जगह पर तो इस पर क्या होता है, इस पर काली परत चढ़ती है, किस कौन सी परत चढ़ती है, काली परत। जो तांबे का बर्तन होगा आपके घर पर
इस पर हम जब इसको रखते हैं नमी वाला स्थान पर, तो इस पर हरी परत चढ़ती है। कौन सी परत चढ़ती है? हरी परत। कहने का मतलब है कि जब धातुओं को या पदार्थों को नमी वाला स्थान पर रखा जाता है तो संक्षारित होने लगती हैं या खराब होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को ही हम संक्षारण कहते हैं। क्या कहते हैं? संक्षारण। और संक्षारण का मतलब होता है खराब होना। विकृत घनता क्या होती है? तो ये सिंपल है कि जब हमारे पास वसीय जो पदार्थ होता है, अर्थात वसीय पदार्थ का मतलब वसीय जो खाद्य पदार्थ होता है, वसीय खाद्य पदार्थ का मतलब जिसमें वसा होती है, ठीक, जिसमें वसा की मात्रा होती है। तो ऐसे ऐसे पदार्थ या जब हमारे पास जो वसीय पदार्थ होती हैं उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है। किसकी प्रक्रिया होती है? ऑक्सीकरण की। और जब ऑक्सीकरण की प्रक्रिया होती है तो वो हो जाती है ख़राब, और ख़राब होने के बाद एक विशेष गंध देने लगती हैं। ये एक विशेष गंध देने लगती हैं, और इस विशेष गंध देने की जो प्रक्रिया होती है या ये जो पूरी प्रक्रिया हुई, इस प्रक्रिया को हम बोलते हैं विकृत गंधिता। फिर से देख लीजिएगा, और यूपी बोर्ड के सिलेबस में ये दोनों शायद इस बार में नहीं है। बिहार बोर्ड वाले जो होंगे उनके लिए है, एमपी बोर्ड वाले हैं उनके लिए है, और जो राजस्थान बोर्ड वाले उनके लिए भी। ठीक, अब देख लीजिएगा थोड़ा सा फिर से दोनों को। संक्षारण क्या होता है? तो जब धातुओं को या पदार्थों को नमी या आर्द्रता वाले जगहों पर रखा जाता है, स्थानों पर रखा जाता है, तो वो संक्षारित होने लगती हैं। इस प्रक्रिया को हम क्या बोलते हैं? संक्षारण। जैसे लोहे पर जंग लगना, चांदी पर काली परत का चढ़ना, तांबे पर हरी परत का चढ़ना। ठीक, क्लियर है। विकृत घनता का आता है तो जब वसीय या वसीय खाद्य पदार्थों को क्या करते हैं, हम रख देते हैं, तो उसमें ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात या वो अपचयित हो जाती हैं। अपचयित होने के प्रक्रिया के पश्चात, अपचयन या ऑक्सीकरण की प्रक्रिया के पश्चात अपचयित या अपचयित, यहाँ पे अपचयित भी कहीं कहीं लिखा होता है, कहीं ऑक्सीकरण भी लिखा होता है, ज़्यादातर अपचयित मिलेगा आपको। अपचयित की प्रक्रिया के पश्चात उसमें एक विशेष गंध आने लगती है। आने लगती हैं विशेष गंध आने लगती हैं, अर्थात वो खराब हो जाती हैं, तो आपको महकने लगती हैं। ये खराब होने के बाद ये जो प्रक्रिया होती है इसी को हम बोलते हैं रेंसिडिटी, या इसी को बोलते हैं विकृत गंधिता। ठीक, इस चीज़ को समझिएगा। इसमें आप जैसे चिप्स उप्स के पैकेट देखे होंगे, तो इससे बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें गैस भर देते हैं। 5 रुपये का जो चिप्स का पैकेट वगैरह करते हैं, चाहे कोई भी पैकेट करते हैं कुरकुरे वुरकुरे का, तो उसको उससे ख़राब होने से बचाने के लिए हम क्या करते हैं, उसमें हम ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें हम करेंगे क्या, तो उसको ख़राब होने से बचाने के लिए उसमें हम गैस भर देते हैं। क्या भर देते हैं? गैस। तो गैस भरते हैं जब, तो उसका होता है ख़राब नहीं होता है। तो विकृत घनता को ख़राब होने से बचाने के लिए इस चीज़ को देखते हैं। ये पूरा